नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। बोलो। और मैंने उनको बोला कि मुझे मत मारो, मेरा रोजा है। तो उन्होंने और मुझे दो चार मारा। जब मेरे को बोले तू यहाँ से चले जा, निकल, बहुत मारेगा। मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी कि भाई मुझे मत मारो, मेरी क्या गलती, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब भी उन्होंने मेरे को बहुत मारा। ये 5 घंटे तक अंदर पुलिस हमको इधर से उधर फिरा ही रही थी कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। पता नहीं उनके कोई टच में गए क्या है। 5 कलाक से हम लोगों को कब से यहाँ बिठा के रखा। अभी 15 मिनट हुई हमारी, अभी FIR ली हुई है। बहुत दुख हुआ। देखो, एक लड़का है मेरा, बाप घर का है और मैं विधवा औरत हूँ। और नहीं, घर चलाने वाला वही था, हमारी रिक्शा चला दी। हम कैसे खाएंगे रोज, क्या कमाएगा वो। यहाँ जो समझौता कर लो, बोले तुमको नई रिक्शा दिला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बोले पैसे दे देते। 5 घंटे से हमको ये चीज़ में उलझाया जा रहा है। नमस्कार आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका अहमदाबाद में। जिस तरह से आज फिर एक बार मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आई है, क्या कुछ हकीकत थी? और जो नवाब नाम का युवक था जो वारस से ऑटो रिक्शा का बिजनेस करता है, वहां पर इनकी ऑटो को रोककर सामाजिक तत्व के द्वारा जो है नशाहित प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए लोग और नशा किया हुआ था, उन्होंने इस लड़के को रोककर मारा पीटा और उसके बाद जो उसकी ऑटो जलाई गई है। और दुख की बात यह है कि पिछले दिनों ही संसद में कानून पास किया गया था मॉब लिंचिंग के द्वारा, और वो अब तक भी अमल में नहीं है। और जो जिसने कानून पास किया था उसी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है अमित शाह गृह मंत्री की लोकसभा सीट के जो है विस्तार में ये घटना सामने आती है। ये बड़ी दुख की बात है। क्या कुछ वारदात थी, क्या हकीकत थी, और क्यों अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है असामाजिक तत्वों पर कमर नहीं कस पाती? क्या वारदात हुई थी आप जब ऑटो लेकर गए? मैं उस्मानपुरा से जा रहा था तो बहुत सब लोग वहाँ जो होली में सब कर रहे थे, तो एक भैया मैं वहाँ खड़ा था, तो भैया ने एक ने हाथ लगाया गाड़ी पे, हाथ लगा कर खड़े हो गए। मैंने बोला भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो रही है, हुड़ ख़राब हो रहा है, हाथ हटा लो। तो उन्होंने मुझे गाली से बात की, तो फिर मेरा धक्का मार दिया मुझे। तो मैंने बोला मेरे को क्यों बोल रहे हो भैया, अब शब्द दिए ने। फिर मेरा को धक्का मार के बोछी पकड़ के बाहर निकाला ने। मेरे को बोले तेरा नाम क्या? मैंने बोला मेरा नाम नवाब है। तो 3-4 जन थे, मैंने तो मारा, मेरा फ़ोन वोन सब छीन लिया था, मेरे को मारा ना। फिर मेरे को वहाँ से भगा दिया, बोले तू चले जा यहाँ से। मेरे को बहुत मारा, जो मार रहे थे वो तीन चार लोग थे। बोलो। और मैंने उनको बोला कि मुझे मत मारो, मेरा रोज़ा है। तो उन्होंने और मुझे दो चार मारा। जब मेरे को बोले तू यहाँ से चले जा, निकल, बहुत मारेंगे। तो मैं वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं पुलिस लेके पहुँचा, तो वहाँ तक मेरी गाड़ी पूरी जला दी थी, पूरी गाड़ी रिक्शा जला दी थी। और आज रोजे में भी थे आप? रोजे में था। मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी कि भाई मुझे मत मारो, मेरी क्या गलती, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब भी उन्होंने मेरे को बहुत मारा। और उसके बाद क्या हुआ जो फरियाद के? उसके बाद 1 बजे से हम यहाँ आए, 6 से 7 बज गया अब हमारी फरियाद हुई है। 5 घंटे तक अंदर पुलिस हमको इधर से उधर फिरा ही रही थी कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। पता नहीं उनके कोई टच में गए क्या है। 5 कलाक से हम लोगों को कब से यहाँ बिठा के रखा। अभी 15 मिनट हुई हमारी, अभी FIR ली हुई है। अच्छा, पुलिस ही आपको समझौते के लिए जो है प्रेशर कर रही है? हाँ, कि यहाँ जो समझौता कर लो, बोले तुमको नई रिक्शा दिला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बोले पैसे दे देते। 5 घंटे से हमको ये चीज़ में उलझाया जा रहा है। परिवार में इनकी 6 बहनें हैं, परिवार में कमाने वाले ये अकेले ही है। सीधा हम परिवार से लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहोगे जो आपके लड़के के साथ वारदात हुई, कितना कुछ दुख हुआ, कितना डर है? बहुत दुख हुआ। देखो, एक लड़का है मेरा, बाप घर का है और मैं विधवा औरत हूँ। और नहीं, घर चलाने वाला वही था, हमारी रिक्शा चला दी। हम कैसे खाएंगे रोज, क्या कमाएगा वो। बहुत बुरा किया मेरे बच्चे के साथ, वो भाग गया, नहीं तो उसको मार डालते, हमारे परिवार पे क्या होता। मैं यही बोलती हूँ कि बस पुलिस वाले भी सुनते नहीं, हमारा इधर से उधर भेज रहे हमारे को कब से। रोजा बच्चे ने रखा ला तो भी उनका सुन रहेंगे। बार बार इसको यही बोल रहे अंदर कि तुम बाहर निकलो, हम जाते तो बोले बाहर निकलो,
तुम्हारा बेटा लिख रहा आएगा, लिखा रहा आएगा, उसको बोलते हैं कि तू बोल रहे हो सुन ले, मिलाप कर ले, तेरे को रिश्ता दिला देते, लेकिन मेरा बच्चा मर जाता तो हम क्या करते हैं? हमारे तो रोज की रोटी रोजी भी अभी चली गई है। मुझे इंसाफ दिला, बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और मेरे बच्चे की हिफाजत चाहिए। चलिए, एक माँ की जो आंखों में अश्क है और रो रही है, इंसाफ की पुकार लगा रही हैं, इसके बावजूद यहाँ पर जो है SDPI की टीम पहुँची और सोशल वर्कर, ये युवाओं के अंदर बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि आमिर जो है आमिर पठान भी पहुँचे और उनकी टीम भी पहुँची वहाँ से, गोमतीपुर से, जब ये वारदात के बारे में जब सुना गया और SDPI की टीम भी पहुँची गई, ये खुशी की बात है। एक समाज के अंदर के युवा जागरूक हुआ है और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि SDPI की टीम है, काफ़ी युवा उसमें जो है आगेवानी लेते हैं, जागरूकता है उनके अंदर और समय सूचकते वो अपने जो भी विटनेस होते हैं उनकी सहाय के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। वैसे ही आमिर खान जो पठान है सोशल वर्कर है, काफ़ी सालों से जो है सामाजिक काम करते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए खड़े रहते हैं। तो दोनों से हम बात करेंगे, क्या कुछ हकीकत है, आप यहाँ पर कब से हो और पुलिस प्रशासन से क्या कुछ जो है बात सामने आई आपको? जैसे कि एक हमारे मुस्लिम युवक, हमारी समाज का जो लड़का है, जो 6 बहन का एक भाई है, वाडज के अंदर उसके साथ जो रिक्शा ड्राइवर है, जो उसके साथ घटना हुई है, जो असामाजिक तत्व कहते हैं उनको, गुंडागिरी करते हैं, ऐसे लोगों ने टारगेट किया हमारी समाज के एक लड़के को, जो ये बहुत गलत और बहुत शर्मनाक घटना है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर जो हमारे राज्य में जो और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मॉब लिंचिंग के लिए जो कायदे बनाए हैं, अभी तक वो कायदे का असर हमको दिख नहीं रहा है। और 1:20 को यहाँ पर कंट्रोल मैसेज किया गया है, जो फरियादी है उसने उसकी FIR लेने में नहीं आ रही थी, यहाँ पर गोल 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 घुमा रहा था। तो 2 बजे से हम खुद यहाँ पर हम भी आए और SDPI की टीम भी यहाँ पर आई है और सोशल वर्कर की तरफ से मैं खुद आया हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही थी, FIR नहीं हो रही थी। फिर हमने थोड़ा पुलिस वालों से बात की, ऊपर लेवल से बात की, SP साहब से बात की, DCP साहब से बात की, PI साहब से बात की। उसके बाद 5:30 फरियाद लेना शुरू हुआ, फिर 7 बजे तक के बाद FIR आई। उसके अंदर भी जो मुस्लिम समाज को जो अपशब्द कहा था, जो रोजे को लेकर अपशब्द कहा, वो जो कलम बनती है 153A की धारा कलम जो है, आज भी वो FIR के अंदर एड नहीं हुई है। पर हमको आशा, संविधान है जो हमारी कोर्ट है, जो न्याय मंदिर है, से सहा मिलेगी, इसकी सहायता मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह हम लोग ये सहायता करने के लिए रेडी है, SDPI टीम भी है, हमारे सारे भाई है जो इनके परिवार के लोग हैं, सारे लोग यहाँ जुड़कर दोपहर 2 बजे से यहाँ ही है, इफ्तारी भी यहाँ की है, नमाज भी यहाँ अदा की है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फरियाद हो गई है, बस आगे से ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये उम्मीद है पुलिस प्रशासन से कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। अगर कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं होगी तो इसके लिए फिर हम मैदान में यहाँ पर आकर खड़े उतरेंगे। अहमदाबाद के शहर अध्यक्ष SDPI से है अबरार शेख से हम बात करते हैं, क्या कुछ है इस वारदात के अंदर? देखिए, सारी वारदातें तो आपके सामने आ चुकी है, बात है इंसाफ की तो देखा गया है पिछले कई दिनों से वारदातें बार बार बन रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन का एक तरफा रवैया कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और देव शहर के अमन और भाईचारे को नुकसान पहुँचाने में कमज़ोर है। तो हम शहर के CP साहब, DGP साहब से गुजारिश करेंगे कि जो लोग भी शहर का और मुल्क का अमन और भाईचारा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। और इसके अंदर जो 153A की जो कलम जिसका जिक्र हुआ है उसको लेकर हमारी जो मांग थी वो मांग हमारी अब भी बरकरार है और इसके लिए जो भी कानूनी लड़त है वो इंशाल्लाह हम कोर्ट से लेकर ज़मीनी लेवल तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्या वारदात थी, आप जब आए तो क्या देखा आपने, घटनास्थल का आपने दौरा किया या फिर आप सीधा पुलिस थाना में, और किस तरह से आपको ये मैसेज मिला? नहीं, इसमें ऐसा है कि इनके साथ जब हादसा बना है तो हम घटनास्थल पर नहीं गए, हमने ही उनको कहा कि आप पुलिस स्टेशन पहुंचिए, क्योंकि पुलिस की है जो हमारे पास एक रास्ता है ऐसे जो कम्युनल लोग हैं जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ। तो हमने उनको यहाँ भेजा है, उसके बाद हम लोग 3:30 से यहाँ पर मुसलसल आए, उसके साथ दूसरे भी सोशल वर्कर है, लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि भाई FIR हो, क्योंकि उसके बाद जो कुछ समुदाय के आगेवान थे वो भी आए, पुलिस के ऊपर भी शायद कुछ दबाव था और पुलिस ने भी ये बात की कि अगर आपको पैसा मिलता है तो आप ले दे के बताते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ में बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये आज जो हुआ है
वो किसी और के साथ हो, क्योंकि हमारे सामने एक एग्जांपल है, जुनेद और नासिर को जिंदा जला दिया गया था। अगर ये जो नवाब नाम का लड़का है अगर ये अपनी जान बचा के ना भागता तो हो सकता है इसको भी जिंदा जला दिया जाता। जबकि इसके अंदर तो मेरा मानना है पुलिस चाहती तो 307 की कलम भी डाल सकती थी, क्योंकि जान से मारने की कोशिश की गई है। क्योंकि आप जब सलमान अजहरी साहब को एक स्टेटमेंट के अंदर उनके ऊपर 153 और धारपासा में डाल सकते हो, तो ये लोग जो है जो असामाजिक तत्व है, किसी की रिक्शा जलाए थे और किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं, जुनेद नासिर जैसे लोगों को जिंदा जला दिया गया था, तो हो सकता है इसको भी जला दिया जाता। क्या पुलिस उसके बाद जागती? क्या पुलिस ये इंतजार में है किसी की जान जाएगी और शहर के अंदर अमन और भाईचारे को नुकसान होगा? क्या पुलिस ये चाहती है कि शहर के अंदर दंगे हो? हम पुलिस प्रशासन से सवाल करते हैं कि आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, तो हमारी गुजारिश है कि इसके अंदर कड़क से कड़क कार्यवाही की जाए। चलिए, SDPI की टीम थी, शहर अध्यक्ष थे और इन लोगों की रजूआत भी यही है, यही मांगे इनकी कि आने वाले दिनों में अगर इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आने वाले दिनों में कई ऐसे मजलूम हैं जिन पर अत्याचार हो सकता है, और कॉम्प्रोमाइज़ से बचकर इन्होंने FIR करने की जो है सलाह ली है, और सामने पक्षकार को जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी सज़ा हो उसकी मांग की है। आचार संहिता जो है लागू हो चुकी है, प्रचार प्रसार बंद हो गया है, लेकिन एक तरफ से इसको ही प्रचार प्रसार कहा जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो जो है प्रचार की रैली वगैरह पोस्टर वगैरह कोई की चीज़ लगा नहीं सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है क्या कि किसी भी मुसलमान समाज के व्यक्ति को मॉब मिलकर मारता है और हिंदू समाज के लोग खुश होते हैं और आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो है पेट भर के वोट देते हैं, तो इसको एक तरह से जो है प्रचार प्रसार ही कहा जा सकता है ये आसान भाषा में। तो अब आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि किस तरह से जो है पीड़ितों को इस तरह से न्याय मिलेगा, और संसद में जो कानून प्रसार हुआ है मॉब लिंचिंग को लेकर वो कब अमल में लाया जाएगा। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो।